राम राम जी। तो हम जा रहे हैं इसार और मामी पुष्पा और मामा राकेश आ गए हैं आज सुबह नाड़ी दिखाना हमारे बाबा ते। पहले मामी पुष्पा की नाड़ी देखी है, उसके बाद मामा की, और इनकी दवाई लिख दी। काम करो ना, मैं एक घंटा मत लूंगी, देना नहीं मेरा क्यों लग गया। पहला मैं कह रहा थी मेरा थकावट की वजह से चिड़चिड़ाहट भी होने लग गई है। इस तरह मामा इनको कहते एक ग्लास पानी दे, मेरा थूक है। जलेबी बता योगा क्लास वाली भी जलेबी ले दे जो अनुमान लिया था ना रावण खातर वाद भाई मार ने दो चार गुट लगातार कठिए मृत संजीवनी मरे उड़ा ने जिंदा कर देंगे डेड बॉडी के मुंह गिर देना है और जो आता मरे आता जिंदा उसका उसमें डेढ़ गुना जिंदा कर देंगे। मामा मामी तो चले गए थे और मेरी तो नींदे कौन खुल रही आज रात ने, पुच्ची ने सोने कौन दिए, कू कू करी गया, कदे इसने बाहर छोड़ के आई आंगन में, कदे फिर भीतर लेके आई। मैं उठी इतने तो दोबारा चाय बन ली थी, दोबारा वाला सेशन चल पड़ा था चाय का। वैसे अपने घर में यह पक्की खास बात है भाई, जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाए तो सवेरे दो तीन बार चाय बन ले है, जो की बहुत गलत चीज है। इतनी देर में गोगल महाराज आ जाए है और चाचा तक करे है राम राम, और चाची ने बोली आज सवेरे वाये दाल बनावांगे, जो आनंद ने शाम ने बताई थी आपने थी भाई, इसमें रेशियो रखना है चार मुठ्ठी दाल और एक मुठ्ठी चावल का। इसने तम खिचड़ी कम दाल भी कह इसको, इसके अंदर एक प्याज टमाटर डालना है, अपनी इच्छा अनुसार मिर्ची भी डाल सका, उसके बाद इसकी सिट्टी मरवानी है जाग उतारने के बाद। जब भी आप दाल या चावल ने उबाला और उसके ऊपर जो ये जाग आया करे, ये बहुत बेकार और खतरनाक चीज हो है, इनकी वजह से अपनी बॉडी में टॉक्सिन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाए है, यूरिक एसिड बढ़ जाए, इसलिए इन्हें उतार देना चाहिए। हमारे प्यारे चाचा श्री इतने नहा धो चुके थे, चाचा जी ने जोत लगा दी और उसके बाद अपने राम के नाम ले लिए, इतने हमारी दाल में भी सिट्टी आ चुकी थी। मैंने धरती पिछले व्लॉग में भी बताई थी, अगर किसी का एसिडिटी की दिक्कत हो, पेट में थोड़ी बहुत जलन होती हो, तो वो तुरंत नीम खाओ, नीम एंटी एसिड का काम करे है और बहुत बढ़िया पेट हो जाए है। मैं और आनंद दोनों जने चाल पड़े आड़े नीम तोड़ कैथल भाई, ढूंढे तभी नीम नहीं पाया हमने, हमारे लोहे दोरा आड़े हिसार में बहुत गुणे नीम थे, आड़े ग्लोबल में तो खासकर चारों तरफ नीम में नीम थे, गणिये कोपल सी तोड़ी हमने आगे की कच्ची कच्ची। दूसरी साइड हमने पेड़ पे देखा तो ये घोंसले से लटका रखे है, नीचे चिड़िया हतर पानी भी धर रखे है। मन्नर बाबा ने अपना अपना नीम खाया और उसके बाद आगे अंदर सब ने ब्रेकफास्ट में दाल खानी थी, लेकिन मोहित ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा कोई दाल। एक नमन और मोहित ये नहीं बोले, हमने सुबह सुबह पराठे चाहिए और साथ में चाहिए लाल मिर्चा की चटनी। चाचा ने अपनी काली मिर्च और शहद जो भिगो की दर रखा है उसकी एक चम्मच खा ली, और भाई इसके फायदे में तुमने अगले व्लॉग में जरूर बताऊंगी। कई सारे कमेंट भी आ रहे थे कि चाचा वो क्यों खाया कर, वह विधि क्यूकर है, क्यूकर बनाया करे। हमारी दाल उबल चुकी थी, जमा जी मिल लिया था इसका, इसका ऊपर से तड़का लगाना था जिसमें पड़ेगा जीरा और साथ में थोड़ा सा लहसुन, और घी की अमाउंट हमने थोड़ी सी ज्यादा रखी है ताकि यह खाने में आसान नहीं हुआ, तो हमारा कसुत्ता माल बन की हो गया था रेडी, कसुत्ती खुशबू हो रही थी भाई इसमें लहसुन की जो ऊपर तक गिर रहा है। दूसरी साइड चाची ने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, रोटी नहीं सॉरी पराठे भाई, बहुत लोग आके सवेरे न्यू खाया करे, पेशेंट पे पूछूं जी सुबह पराठे तो नहीं खाते, नहीं जी हम तो परोठी खाते हैं, मखा यार यो परोठी क्यों है, न्यू है कौन मेरा पटे आज तक। सब ने भोजन कर लिया था और चाचा और मोहित चले गए थे गाड़ी के टायर बदलवाने खातर। इवानंद ने बोला चाची कल कस्टर्ड घना स्वाद बन रहा था, आज और बना दे भाई। कल कमेंटा में भी कई कमेंट आ रहे थे कि कस्टर्ड क्यूकर बनाया करे, थोड़ी सी रेसिपी बता दो हमने। तो जी कस्टर्ड तो सब कहीं गणा आसान है, इसमें सिर्फ अपन दूध उबालना है, दूध लेना है फुल क्रीम, जब भाई इसने खाने का मजा आएगा, और उसके बाद एक थोड़े से कटोरी में न्यारा दूध लेके हल्का सा न्यूआया दूध लेना है, और उसमें एक चम्मच कस्टर्ड, यानी कि आपने अगर एक किलो दूध लिया है तो एक चम्मच, अगर आपने पतला पीना है, हमने थोड़ा पतला पीना पसंद है, अगर गाढ़ा पीना है तो उसमें दो चम्मच डाल सको हो आप, यो कस्टर्ड घोल की दर देना है। दूसरी साइड हमारा दूध उबलने वाला था, उसमें चाची ने चीनी डाल दी अपने स्वाद अनुसार, जितना आपने मीठा पीना पसंद है उससे अकॉर्डिंग चीनी डाल लो। दूसरी साइड मूंग का हलवे की भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि चाची ने पहले मूंग की दाल जो है वह भिगो की दर रखी थी, इब हमने यह दरदरी पीस ली, थोड़ा सा इसमें पानी डलिया है, हमने हमारी दाल पीसी, इतने दूध में उबाल आ लिया था, चार पांच मिनट उबल गया था दूध, जो हमने कस्टर्ड गोल की दर रखा था कटोरी में वो सारा मिक्स कर दिया, और चम्मच तक चलांदे रही इसने, इसमें ध्यान रखना है की गांठ नहीं पड़ जाए। ड्राई फ्रूट गेरन की बारी आ गई थी, चाची ने बादाम छोटे छोटे काट लिए, उसके ऊपर से थोड़े से काजू काट लिए, और वो सारा माल आपा ने जो कस्टर्ड बनाया है, दूध जो अपना बहुत गणा गर्म है
उसमें डाल दिया। ईवीओ उबलता हुआ कस्टर्ड आपा ने पंखे नीचे धरना है ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और उसके बाद इसने फ्रीजर में लगा दो और ठंडा ठंडा इंजॉय करो। ऊपर से फ्रूट्स डाल सको इसके अंदर। चाची ने फ्राई पैन धर दिया गैस पे। हमने मूंग का हलवा थोड़ा ही बनाना था, आपने देख लिया कितनी दाल पीसी है। उसके बाद डाला इसमें घी और एक छोटी सी कटोरी लेगी उसमें सूजी की डाल दी। सूजी डालने का यो फायदा है कि इसमें जो आप दाल डालेंगे वह कई बार चिपक जाया करे, तो सूजी तो वह चिपका को नहीं और हलवा जो है वो दरदरा बनेगा। हमारी सूजी फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद जो दाल का पेस्ट था वो सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया और ईवीओ चलाते रहना है। यो बात का पूरा ध्यान रखना है कि नीचे ना लग जाए। थोड़ी देर में भाई इसमें खुशबू आने लगी थी और चाची इतनी देर में केसर ले आई। मैंने पूछा चाची वो केसर कड़े तले रखा है, बोली सीधा श्रीनगर तक मंगवाया, जमा ओरिजिनल केसर है, दो पंखुड़ी डालेंगे उससे में कलर आ जाएगा। तो भाई चाची ने चार पांच केसर के जो स्टैंड से थे ये डाल दिए दूध में, इसका कलर आ जाएगा हलवे का। बोली इसमें वैसे आप फूड कलर भी डाल सका लेकिन आप को नहीं डालना, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो है। हमारा जो माल था वो पक्की तैयार हो लिया था। ऊपर तक चाची ने मड़ाई इकट्ठी कर रखी थी, वह मड़ाई घेर दी इसमें एक टिफिन और उसके बाद इसने चलाई गए। साइड में पानी धर दिया है हिसाब के अनुसार कितना पड़ेगा और उसमें मिला दी चीनी। ईवीओ चलाते रहना है भाई लगभग डेढ़ घंटा तो इसमें लागे जाएगा। चाचा और मोहित पहुंच जा है अपनी गाड़ी के टायर बदलवाने खातर। भाई 90,000 चाल ली गाड़ी, बहुत साथ दिया इन टायरों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो उम्मीद करूं अगले टायर भी 90,000 चाल जाए हमारे। अंदर तो भाई चारों टायर पहले बाहर लेके आया जो गाड़ी में डलने हैं और उसके बाद जो गाड़ी में ऑलरेडी टायर है वे तारने शुरू कर दिए एक एक करके। भाई ने पहले सारे टायर बढ़िया तरिया चेक कर लिए, पहले एक रखी थी चाचा ने की बढ़िया टायर गाल रहे हैं छोरी की गाड़ी में। दूसरे भैया ने गाड़ी का जैक लगा दिया है, धीरे धीरे या ऊपर ठाणी शुरू कर दी। भाई ने एक एक करके सारे टायर तैयार कर दिए। बेरा ने इनमें एक एक कराया, देखो मैंने इनके नाम तो बेरा को नहीं। उसके बाद गाड़ी में चढ़ाने शुरू कर दिए ये। पहले तो ये नट के ऊपर लगाने होंगे, मैं तो न्यू सोचू तो ये नई नई सी मशीन आ रही है, एक मिनट में ये इतने बड़े बड़े नट बंद हो जाए हर खुल जाए हैं। लो भाई आखिरकार हमने हमारी गाड़ी के नए पैर लगवाए दिए और यो काम पूरा होने में लगभग डेढ़ दो घंटा लग गया। ईव स्कूटी उठा के मोहित और चाचा पहुंच गए इन भैया की शॉप पे जिनकी एक्सेसरीज की दुकान थी। मोहित ने बोला मैं गाड़ी खातर देख के आऊंगा की मैं जान दिए। भाई ने दिखाना शुरू कर दिया, सबसे पहले डमरू दिखा दिया, मैं कहा हाँ यो सही था गाड़ी में धर ले। उसके बाद शिव जी भगवान की कुछ मूर्ति वगैरह दिखाई। इन भैया ने बहुत सारे ऐसे आइटम दिखाए जो गाड़ी में धरण गए थे। पहले तो मोहित ने सोची गया कि ये शॉप इस टाइप पे है, लेकिन भैया ने बाद में बताया कि इनमें सारे में परफ्यूम भी है। एक हमारी गाड़ी में कई दिन तक चार्जर खराब पड़ा था तो वो ले लिया। इसके बाद भैया ने दिखाई गाड़ी की छतरी, मोहित ने तो यह पहली बार देखी थी। भैया ने बताया कि कितने धूप में गाड़ी खड़ी हो तो फ्रंट शीशे पे यार लगा सको ताकि गाड़ी ज्यादा गर्म ना हो। या छतरी तो मोहित का देख दी है पसंद आ गई थी। चाचा ने बोला बेटा या तो ले ले, गाड़ी में बहुत बुंडी गर्मी हो जाए कई बार। एक और चीज दिखाई, वो अभी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर लगाने की थी लेकिन ऑप्शन था हमारे पास तो मोहित ने या छतरी ये चूज करी आखिरी में। उसके बाद भैया ने बोलेगा आपकी गाड़ी के पंख लगाने हो तो हम पंख भी लगा दिया कर, उड़ दी चल लगी। उसके बाद ये पंख दिखाए भैया ने लाइट आले और चाचा नाड़े कही कि भाई ये पंख लागे पाछे या गाड़ी कमर पापा की परी गणी लागेगी। हमने तो तू कोई सा आइटम दिखा दे जिससे बाबू का मगरमच्छ बन जाए। भैया ने या छतरी बाहर ले जाके गाड़ी में लगा के दिखाई फ्रंट शीशे पे। उसके बाद चाचा ने न्यू कही कि वो दूसरा आइटम जो दिखाया था वो भी लगा के दिखाई हमारे फ्रंट शीशे पे, हम दोनों में तो चूज कर लेंगे कौन सा गणा बढ़िया लगेगा। भाई जो छतरी थी वह तो एग्जैक्ट फिट आ रही थी शीशे पे लेकिन जो दूसरा आइटम था वो पूरा फिट नहीं आ पाया, इसलिए नया छतरी चूज कर ली। इतनी देर में भाई ने चाय मंगवा दी, बोले जी भाई साहब गर्मी कसूती हो रही है, गर्मी ने गर्मी है काटा अगर आड़े तो सारा सामान लेगी। ये टायर वाला भाई के पहुंच के गाड़ी जमा तैयार खड़ी थी, इनकी पेमेंट कर दी। मन्ने इतने मोहित द्वारा फोन कराया था कि केले और आम ले आइयो जो अपना कस्टर्ड बना रखा है उसमें डालना है यो सारा सौदा। सब्जी मंडी में पहुंच जावे हैं चाचा और मोहित दोनों जने उड़ जा की आम के रेट सुन की जमा इनका जी दुखी हो जाए, इतने महंगे आम हो रहे थे। आम ले लिए थे, उसके बाद केले वाले भाई पे केले का रेट पूछा तो यो भी बहुत महंगा बताया। चाचा ने बोला भाई की मैं कम कर ले, तो केले वाला भाई ने बोला भाई साहब ये तो हमारी बोनी भी को नहीं हुई है। चाचा ने बोला मन ने बेचने दे तू हटाड़े तने बेचने को नहीं आ रहे। सारा सौदा सप्ता खरीद की और नए पाया गल गाड़ी ने गुरड़ा की ये दोनों आ जाए घर ने, पुची को सुती डालते बाट देखने लग रहा था इनकी चिपट जा हम दी है। चाचा का कोई एक थैली हाथ में लटकाई आवे मखा आम कड़े हैं, बोला ओहो आम तो कदे हम उड़े भूले आए हो, फिर दोबारा तक गाड़ी में जाजू की चेक करे तो उड़े पा गए हमने। हमारा जो मूंग का हलवा था वो इतनी बार में बनकी रेडी हो गया था। चाचा ने बोला जल्दी लिया बेटा के माल बना रखे कसूती खुशबू आवे। चाचे माल तैयार करवा रखे मूंग का हलवा। बेटा मैं हूँ डिटॉक्सिफिकेशन पे। तू कौन खावे? मैं खाली छोटी तो अच्छा बात तो बता दे के कर किया है आम लेके उड़े इधर आए। पहला तो मैं चार दुकान फाटने बोला 150 रुपए किलो, मैं तेरे उद्गम सारे हैं, मेरी लुगाई 30 रुपए किलो लेके गई है, 150 लेगा तो खड़ा लटका जाएगा।
देख लो भाई चाचे की बात, 30 रुपए किलो आम कितने मिलन लाग रहे हैं। वो बेचारा रेडी वाला भी शर्मिंदा कर दिया कि इसकी लुगाई कड़त लेगी होगी 30 रुपए किलो वाले। पूरी मंडी में कितने कौन मिले ये तो। चाची ली आई थी हलवा प्लेट में गाल के, भाई हलवा में आज थोड़ा सा घी फालतू हो रहा है क्योंकि मलाई जो गेरी थी वह भी घी छोड़ दिया कर वो सारा ऊपर आ जाए। पहले तो मोहित ना पड़ा घी चाचे की प्लेट में गाल, अरे चाचा ना पड़ी प्लेट का घी मेरे लिए प्लेट में गाल दिया। मखाइयो तो कसुत्ता काम करे। चाचा ने बोला बेटा हलवे का ऊपर चाय की हुकू की उठ गई, मेरे मन ने तो वह स्पेशल ईरानी चाय बना दे। जो आनंद सवेरे बताई थी चाचा थी कि मैंने ईरानी चाय बनानी आवे है, यो प्रोसीजर शुरू कर दिया इन दोनों ने मिलकर। जो ईरानी चाय का मेन कॉन्सेप्ट है वो यो है कि दूध में पत्ती नहीं उबालनी, और यह बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अगर आप दूध में पत्ती उबाली जावा तो वो बहुत ज्यादा एसिडिटी कोज करे अपने पेट में जाके। इसमें आपने दूध अलग से गर्म करना है, दूसरी साइड पानी में मसाले और पत्ती उबालनी है जब तक वो आधा नहीं रह जाए। दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, अरेबियो मिक्स करके आप पीस का इसने स्टोर भी कर सका काफी दिन। शाम का टाइम हो लिया था, हमने जाना था उल्टा कैथल, लेकिन हमारी कुछ रील बनानी रह रही थी। चाची ने बोली ले इतने पोहा बना दू थार, पर पोहा थोड़ा सा धोधा की तैयार कर लिया, उसके बाद कढ़ाई में डाल लिया थोड़ा तेल, कल घी में बनाया था। आनंद ने बोला तेल में बना के देखियो और घना स्वाद बनेगा। फिर भी सवेरे तो पुची तो डर दी भाजन लाग रही थी, लेकिन शाम तक इनकी दोस्ती हो गई, दोनों जने एक सोफे पे बैठे हैं और इसके ऊपर हाथ फेरन लाग रही है। हमारे प्याज टमाटर तैयार हो गए, हमने कल का कंपेरिजन में मसाला थोड़ा ज्यादा बनाया है, कल थोड़े से कम स्पाइसी बने थे, मसाला कम लगा था, इसलिए आज प्याज टमाटर ज्यादा डाले और हमारे पोहे की शक्ल तो अंदाजा लगा उसको कि कितना बढ़िया बन रहा था। पोहा खांदी हमारे कस्टर्ड की याद आ जाए भाई, ठंडा और मीठा, ओहो हो कितना स्वाद आओगा। चाची ने इसमें ऊपर तक फ्रूट काट दिए थे, केला राम और सारे ने गर्रा गर खाया है, जमा जी सा आ गया यो खा की। तो भाई हमने कुछ रील के कॉन्सेप्ट तैयार कर रखे थे, वो हमने बनानी थी। सवेरे तो टाइम कौन लग गया, दिन में घनी धूप हो जाए है इसलिए शाम का टाइम सही लग गया, हमने थोड़ा सा डिले कर दिया वापस जाना कि शाम ने निकल लेंगे 7 बजे के आसपास, पहले ये रील रैल बना लें। आज के जो रील वाले कंसेप्ट थे ना भाई वो भयानक फनी थे, हमने खुद ने इतनी हंसी आई है, बना दी आनी 2-3 रीटेक लेने पड़े और जमा पेट पाट गया हंस हंस की हमारा। हमारे जो इंस्टाग्राम पे चैनल है डॉक्टर सोनिया राहर नैन नाम थे और एक डॉक्टर सोनिया नैन नाम थे भी है भाई, घने कमेंट आवे कि होम्योपैथी पे भी वीडियो डाले करो, तो डॉक्टर सोनिया नैन नाम थे अलग से चैनल बना रखे है, स्पेशली उस पे क्लिनिक की वीडियो डले। हमने हमारा सारा काम निपटा लिया था और टाइम हो गया था हमारा वापस चालन का, टाटा बाय बाय कर दी है। और उसके बाद हमारी चाची ने करी है मानतान, आड़े लिकड़ लिया हाँ, हमारी मौसी ज्योति ते भी कर दे हाँ, टाटा बाय बाय। मोहित बारे खड़ा था, सारा सामान हमने गाड़ी में पहले लोड कर लिया था, लिकड़ दी हमने अंधेरा हो गया था, 7:30 बजे का टाइम हो लिया था, हमने सब ती करी है टाटा बाय बाय और हमारे पुच्ची ने लेके हम लिकड़ लिया हाँ वापस कैथल खातर। नरवाणा दौरे पहुंचे थे, इतनी देर में थोड़ी सी भूख लग गई, आनंद ने बोला देखांगे नरवाणा में के बढ़िया मिले, हाड़ नहीं चाल पड़ो। नरवाणा में बड़े थे और इतनी देर में भाई फाटक बंद होगी, मखाड़ और कई बार लगेगी, लेकिन 2 मिनट में ट्रेन आ जाए और पुच्ची ने कहूं मैं देख ले मखा तेने जिंदगी में ट्रेन कौन देखी होगी कदे। नरवाणा में बड़े थे और आड़े मोहित का एक प्यारा मित्र है अनूप, वो मिल जाए हमने, इनकी स्पोर्ट्स की दुकान है भारती स्पोर्ट्स नाम थे। भाई ये गऊ सेवा में बहुत ज्यादा विश्वास रखे हैं, पिछले 2 साल तक लगातार गऊ माता की सेवा करने लग रहे हैं। हमने पहली आसानी कटवाए हैं ज्वार जो इनने बो रखी है, उसके बाद पूरे शहर में जड़े भी गऊ माता दिखे उनने एक एक तांसला सानी का गेर है, भाई एक महान काम कर रहे हैं, हिम्मत चाहिए यो काम करने खातर भी। इसके साथ साथ अगर कोई भी जानवर इंजर्ड मिले है, कोई गऊ माता या कोई भी जानवर तो अपनी गौशाला में लेके जावे है, उसका इलाज करवावे है। आड़त हम निकड़ लिया कैथल खातर, कुछ खासा मिल नहीं पाया क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी थी और लगभग 10:45 बजे हम घर ने पहुंच जाओ, हमारे प्यारे प्यारे डोगो हमारा इंतजार करने लग रहे थे बाहर खड़े। रास्ते में हमने दूध लेने की ट्राई करी लेकिन कोई भी दुकान खुली कौन पाई, इसलिए हम कुछ अंडे लेके आए थे इन खातर क्योंकि हमने बेरा था ये हमारी बाट देख दे पाओगे। तो जी जयराम जी की आज का व्लॉग आड़े खत्म करा, व्लॉग ने शेयर जरूर कर दियो ज्यादा से ज्यादा और अपना प्यार न्यू बनाई रखो।